अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहमद, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, आपका निजम न्यूज़ में खैर मुकदम करता हूँ। कई दूसरी रियासतों से आए हुए मुलाज़मीन अपने परेशान हाल किस तरह से लॉकडाउन की वजह से वो फेस कर रहे हैं, शहर हैदराबाद में ज़ेर मुखीम और लोगों की ज़बानी। हम एक महीने से हम लोग परेशान हैं, कुछ हम लोग को खाने पीने के नहीं मिल रहा है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, कहाँ जाएं, रोड पर आ गए हैं। हम लोग रूम भी खाली हो गया है, उधर से रूम वाला भी खदेड़ दिया है। इधर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, एक भैया है वही हम लोग को सहारा है। कहाँ जाएं बताइए, यूपी घर है हम लोग का, यूपी पर हम लोग को जाना है पैदल। कुछ नहीं करते, एक रुपये नहीं है, खाने की भी नहीं है, कैसे आते। खाना भी मिल रहा है, जो ठेकेदार था 2 बजे मिल रहा है रात को, जो ठेकेदार था वो रात को अभी हिसाब का 1 रुपया भी नहीं दिया। झगड़ा करके बोला अपने अपने घर चले जाओ, जहाँ तुम लोग को मर्जी है वहाँ चले जाओ। ठेकेदार भी वहाँ से निकाल दिया, सर रहने का ठिकाना है नहीं, हम लोग कहाँ जाएं यहाँ से। तेलंगाना गवर्नमेंट 500 रुपए और 12 किलो चावल दिया ना आप? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। कार्ड का नंबर लेकर गया, कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर, एक भी रुपया नहीं दिया, न चावल दिया न पैसा दिया, कुछ भी नहीं आया। 12 बजे खाना मिला। बल्लागुड़ा सर, बल्लागुड़ा सेक्शन था सर, बल्लागुड़ा चौक काली मंदिर। तो आपको 500 रुपए 12 किलो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। तो गवर्नमेंट से कुछ भी हेल्प नहीं आया? खाना मिल रहा था, फोन भी नहीं आया। उत्तर प्रदेश से कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप लोग? गोरखपुर। यहाँ पे कितने दिन से फंसे हुए हैं आप? 1 महीने से ऊपर हो गया। आपको तनख्वाह भी नहीं मिला? नहीं मिला, अपने पैसे खा रहे हैं, अपने पैसे से घर से पैसे खा रहे हैं। 5000 रुपए घर से मंगा चुके हैं।